पर हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर किसी ने बच्चे को फेंक दिया है। अभी पता नहीं चला है कि इसके यहाँ पर जो फेंका गया है बच्चा है या बच्ची है। मैं यही कहूँगा कि जो सजा से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे का जो ड्रामा बना रखा है ना, सीसीटीवी कैमरे एक्टिव होने चाहिए, ना कि सिर्फ लगे होने चाहिए, बस दैट्स। ऐसे नहीं फेंकना चाहिए किसी बच्चे को, अगर आपके बस के तो किसी को गोद में दे देते हैं, और क्या कर सकते थे, ऐसे नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी के न्यू महावीर नगर में, और यहां पर हमें खबर मिली थी कि यहां पर किसी ने बच्चे को फेंक दिया है। अभी पता नहीं चला है कि इसके यहां पर जो फेंका गया है बच्चा है या बच्ची है। आइए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा, और क्या पुलिस वाले कितने टाइम बाद आए यहाँ पर, और क्या जाँच की जा रही है। ऐसे नहीं फेंकना चाहिए किसी बच्चे को, अगर आपके बस के तो किसी को गोद में दे देते हैं, और क्या कर सकते थे, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास भी बच्चा होगा और यहाँ पर 7-8 दिन का बच्चे को फेंक दिया गया है ऐसे कूड़े कचरे में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पहली बात तो, और दूसरी बात दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे का जो ड्रामा बना रखा है ना, सीसीटीवी कैमरे एक्टिव होने चाहिए, ना कि सिर्फ लगे होने चाहिए, बस दैट्स इट। यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या, कोई दिख रहा है आपको? आप बताओ, खुद समझदार हो, सीसीटीवी कैमरा आपको कहीं दिख रहा है? और दिख रहा है तो उसकी फुटेज क्यों नहीं निकाली जाती, यही है बस सवाल। सवाल का जवाब यही है, अगर सीसीटीवी कैमरा है और फुटेज है और हॉस्पिटल के सामने है, आस्था हॉस्पिटल पीछे ही है ना आपके जस्ट, तो इसीलिए ध्यान दिया जाए, पुलिस सख्त होगी तभी कार्रवाई होगी। अच्छा, दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए आपको क्या लगता है? सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कभी उनके घर औलाद होगी दोबारा? मुझे तो नहीं लगता, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर किसी ने बच्ची को फेंक दिया है या बच्चे को फेंक दिया है? ये तो जब पुलिस वाले आए तब हम लोग का पता चला कि यहाँ पर किसी ने फेंका हुआ है। कितने देर पहले पता चला? अभी आधा पौना घंटा पहले। हाँ, क्या बताया जा रहा है कि ये बच्चा है या बच्ची है? मैं तो अभी आया हूँ, मैंने अभी अभी देखा है। किसी ने बताया कि बच्चा है, कोई फेंक गया हुआ है, बच्चा है। वो किसी ने बताया कि 7-8 महीने का बच्चा। जो लोग ऐसा काम करते हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि उनको तगड़ी से तगड़ी सजा मिले। हाँ। जो गलत काम करे, अब उसके अलावा और क्या कहूँ, समझे? और हमारे को तो अभी पता लगा ये आधा घंटा पहले, हम तो वहाँ बैठे हुए थे उधर पार्क के परली तरफ, और कोई गया था उधर से, क्या लगा ऐसा ऐसा कोई बच्चा फेंक रखा है यहाँ कूड़े में, वो देख के मतलब हम तो अभी किसी काम से बच्चे को लेके गया था मैं तो ये मार्शल लेने के लिए। अच्छा, ये जो बच्चा है या बच्ची है ये नहीं पता जी कौन है, हमने नहीं देखा। हाँ। इस चीज़ को, इसके बारे में हमने नहीं देखा ना हमारे को पता, लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगा कि जो सजा से तगड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। 7-8 दिन का बताया जा रहा है बच्चा है, जो भी है बच्चा है या बच्ची है, 7-8 दिन का है। 7-8 दिन का कहाँ बता रहे हैं, यहाँ तो मैंने यही सुना है, क्या लगे ये सवेरे का ताजा ही बच्चा है कोई, अभी तो उसके वो जो। अच्छा, जिंदा है या मरा हुआ है? ये तो अब जैसे यहाँ अब इस गर्मी में जो बाहर नंगा पड़ा हुआ है तो वो बचेगा क्या, जिंदा रहेगा क्या, वो तो मर ही जाएगा। यानी कि सुबह से ही बच्चा पड़ा हुआ था इसके कूड़े के अंदर में? हाँ, तो कूड़े के अंदर मतलब सुना है ये। हाँ। पक्का हमारे को नहीं पता कब गिर गया, कौन गिर गया, कैसे कर गया जी। लेकिन जो है गलत है जो भी कुछ है। तो आप देख सकते हैं जो वो वाइट कपड़ा आपको दिख रहा है कि उसके अंदर बच्चा है, ऐसा बताया जा रहा है। उसको हटाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कपड़ा को हटाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो बच्चा पड़ा हुआ था ये सुबह से पड़ा हुआ है, और अब तो देखने में ऐसा लग साफ साफ मालूम पड़ता है कि बच्चा मर चुका है अंदर, ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं आप वीडियो में किस तरह से यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं और पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं, और वहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आम लोगों को उस बच्चे से दूर रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोग दूर हो जाइए, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम भी आ चुकी है और वो जांच कर रही है और सैंपल ले रही है, यहाँ पर फ़ोटो खींच रही है, वीडियो बना रही है, और पुलिस वाले यहाँ पर जाँच कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर किसने रखा है। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि क्या आसपास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो आसानी से दोषियों को पकड़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसके अंदर बच्चा है या बच्ची है, और यहाँ पर फेंक दिया गया था कूड़े के ढेर में, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर सुबह के समय में फेंका गया था।
लोगों ने कहा कि ये जो भी जिसने भी किया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बिल्कुल भी अमानवीय घटना है, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन पंकज के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।